आज की रेसिपी है गोभी मंचूरी। तो गोभी मंचूरी बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पे गोभी लिया है, ये साइज की कट कर लिया है मैंने। और इसमें अब हम डालेंगे पानी, नमक से, और इसे उबाल लेंगे। जब तक उबाल होता है हम इस साइड पे कुछ मसाले तैयार करते हैं। गाइस, बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है मैदा। मैदा डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसे 1.5 टेबलस्पून डाल लीजिएगा, और 1 पिंच काली मिर्च पाउडर। और अब हम डालेंगे 1 पिंच फूड कलर, फूड कलर ऑप्शनल है। अब हम इसे पानी डालकर इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, तो बैटर को मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे डालना होगा 1 चुटकी टेबलस्पून नमक। थोड़ा सा डालिए क्योंकि मसालों में बहुत ज्यादा नमक डालना पड़ेगा आगे। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी गोभी में भी ये साइड उबाल आ गया है, तो हम जैसे ही ये उबाल आ जाएगा हम अपना स्टोव ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने गोभी को छान लिया है और इसे ठंडी होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही गोभी ठंडी हो जाती है हमें इसे मिक्स करना होगा हमारे बैटर में जो हमने तैयार कर कर रखा था। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना होगा। हमारी गोभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो मिक्स करने के बाद हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाए हम इसमें गोभी मंचूरी के तल लेंगे, एकदम आराम आराम से डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने सारी गोभी को अच्छी तरह से तल कर निकाल लिया है। तो गाइस, अब हमें यहाँ पे मसाला रेडी करना होगा, जिसमें हम फिर से उसी कढ़ाई में हमने लिया है यहाँ पे तेल, और उसमें डालेंगे प्याज, और इसे अच्छी तरह से तल लेंगे। तो गाइस, प्याज के साथ हमें यहाँ पे डालना होगा लहसुन और 2 हरी मिर्च। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर अच्छी तरह से तल लीजिए, और फिर हमें मसाले डालने होंगे। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा ऑनियन अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हमें इसमें डालना होगा कुछ सॉसेस। तो इसलिए हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है, और फिर इसमें हम फर्स्ट डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया था, तो उसे अच्छे से हिलाकर डाल देंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर। आपके पास ग्रीन चिली या रेड चिली सॉस है तो वो भी आप डाल सकते हो, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने चिली पाउडर डाल दिया। और फिर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जो हमारा बैटर था उसमें मैंने पानी डालकर रख दिया था बचा हुआ जो था, तो वो डाल देंगे। और उसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से हिलाकर पकाएंगे थोड़ी देर। तो गाइस, 2 मिनट पका लेने के बाद हम इसमें डालेंगे, देखिए ये अच्छे से पक गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस। तो आप जितना चाहे उतना टमाटो सॉस डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे किसान का ले रही हूँ, तो इसमें टमाटो सॉस डालकर
इसे अच्छे से ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। ये वाला किसान वाला टमाटो केचप लिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो अभी हमें वो तली हुई गोभी इसमें डाल देना है, तो सारे इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कम फ्लेम पे इसे पकाएंगे थोड़ी देर। तो और बस इसे मिक्स कर लेने के बाद इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर हमें इसे टमाटो सॉस के साथ एंजॉय करना है। तो गैस हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे टमाटो सॉस के साथ एंजॉय करेंगे। तो आपको सर्व कर मैं अभी बताती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सर्व कर लिया है और हमारी गोभी मंचूरियन विथ सॉस डिलीशियस तैयार हो गया।